हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक लाइफ सपोर्ट या फिर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन या CPR भी बोलते हैं इसको। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो हाउ टू असेस द कोलैप्स विक्टिम, हाउ टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ, एंड हाउ टू प्लेस एन अनकॉन्शियस ब्रीथिंग विक्टम इन द रिकवरी पोजिशन। बाद में बेसिक लाइफ सपोर्ट या BLS, इसमें जो तीन चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। पहला एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, तो इसको ABC से भी हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले और इसकी जो मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट देने से पहले जो हम मतलब जो हम देखते हैं पहले, तो हम CAB की सीक्वेंस में हम देखते हैं इनको। जैसे मतलब पहले सर्कुलेशन देखेंगे, तो पहले पल्स चेक करते हैं सर्कुलेशन देखने के लिए, उसके बाद में एयरवे देखते हैं कि एयरवे ओपन है कि नहीं, एयरवे क्लियर है कि नहीं, उसके बाद में ब्रीथिंग देखते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है पेशेंट को। उसके बाद में चेन ऑफ सर्वाइवल की चेन, अर्ली रिकॉग्निशन एंड कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, अर्ली रिकॉग्निशन करना और हेल्प के लिए बुलाना, टू प्रिवेंट कार्डिक अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अगर ज़्यादा लेट हो जाती है अगर CPR देने में, तो कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद में अर्ली CPR टू बाय टाइम। ठीक है, उसके बाद में अर्ली डिफिब्रिलेटर। ठीक है, अर्ली CPR के बाद में अर्ली डिफिब्रिलेशन देना है टू रीस्टार्ट द हार्ट। उसके बाद में पोस्ट रिससिटेशन केयर देनी है टू रिस्टोर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद में बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म टू रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर ए सडन पल्मोनरी एंड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो एक सडन पल्मोनरी या फिर कार्डियक अरेस्ट के बाद में जो सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो कैसे रिस्टोर किया जाए। ठीक है, तो वो सब इस प्रोसीजर में किया जाता है। तो चेस्ट कंप्रेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन परफॉर्म बाय एनीवन हु नो हाउ टू डू इट एनीवेयर इमीडिएट विदाउट एनी और अदर इक्विपमेंट। ठीक है, तो जो चेस्ट कंप्रेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन जो परफॉर्म करना है, वो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है जो इसको जानता हो, या फिर कहीं भी किया जा सकता है, इमीडिएट भी किया जा सकता है। ठीक है, विदाउट मतलब अगर कोई सी इक्विपमेंट्स के साथ में भी किया जा सकता है और विदाउट इक्विपमेंट्स के साथ में भी किया जा सकता है। उसके बाद में व्हाट टू डू, तो क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले अप्रोच सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद में चेक रेस्पॉन्स, फिर है साउट फॉर हेल्प, फिर है ओपन एयरवे, फिर है चेक ब्रीथ, फिर है चेस्ट कंप्रेशन, फिर है टू रेस्क्यू ब्रीथ। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है अप्रोच सेफ्टी, तो इसमें देखते हैं सीन। तो सीन कैसा, सराउंडिंग कैसी है, पेशेंट जहाँ पे कोलेप्स हुआ है या उसको मतलब जहाँ पे उसको CPR की ज़रूरत है, वहाँ पे सीन कैसा है, आसपास की उसकी सराउंडिंग्स कैसी है। तो सराउंडिंग्स आसपास की क्लियर होनी चाहिए, उसको सेफ सराउंडिंग में लेकर आना चाहिए पेशेंट को। अगर वो कहीं ऐसे रोड पे गिर गया है, तो उसको रोड साइड में लेकर उसको वहाँ पे लिटाना चाहिए। ठीक है, सेफ जगह पे उसको लिटाना चाहिए। उसके बाद में विक्टिम, तो विक्टिम जो पेशेंट है उसकी कंडीशन हमको देखनी चाहिए, उसकी इंजरी कहाँ हुई है। ठीक है, अगर नेक पे इंजरी हुई है, तो हमें सेफली उसको सेफ प्लेस पे उसको अच्छे से मतलब बिना नेक को टिल्ट किए उसको सेफ जगह पे लिटाना है। उसके बाद में रेस्क्यूअर मतलब जो CPR परफॉर्म करेंगे वो ऐसे पर्सन है कि नहीं है। उसके बाद में बाईस्टैंडर, ठीक है, बाईस्टैंडर मतलब जो आसपास कौन लोग खड़े हैं उनको हटाना चाहिए, भीड़ को हटाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में चेक रेस्पॉन्स, सेकेंड है चेक रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स को चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, शेक शोल्डर जेंटली, मतलब उसके पेशेंट के शोल्डर्स को जेंटली शेक करके उसको बोलना चाहिए, आर यू ऑल राइट। ठीक है, इफ़ ही रेस्पॉन्ड
अगर वो रेस्पॉन्ड दे रहा है तो लीव एज यू फाइंड हिम, ठीक है। उसके बाद में फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग, अगर अगर वो सही है सही कंडीशन में तो इट्स ओके। उसके बाद में अगर और कुछ अगर रॉन्ग है तो उसको फाइंड आउट करना चाहिए। रीअसेस रेगुलरिटी। उसके बाद में शाउट फॉर हेल्प, ठीक है, तो हेल्प के लिए बुलाना चाहिए किसी को। उसके बाद में ओपन एयरवे, तो एयरवे को ओपन करना चाहिए। तो एयरवे को कैसे ओपन करना चाहिए, तो एयरवे ओपनिंग बाय नेक एक्सटेंशन, तो नेक को एक्सटेंशन करके जो एयरवे है उसको ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो नेक जब फ्लेक्शन कंडीशन में रहती है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो एयरवे जो फुल्ली ओपन होता है वो नहीं हो पाता एयरवे। तो एक्सटेंड जब नेक एक्सटेंड पोजीशन में रहेगी तो एयरवे जो होगा वो फुल्ली ओपन रहेगा, ठीक है। तो जो ओपन एयरवे है वो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट से कर सकते हैं, जैसे कि हेड को टिल्ट करके और चिन को लिफ्ट करके हम एयरवे को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो ये मेथड होता है ओपन एयरवे का उसको बोलते हैं टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद में सेकंड मेथड भी होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्लस जो थ्रश मेथड, मतलब हेड को भी टिल्ट करना है और चिन को भी लिफ्ट करना है और जो को भी थ्रस्ट करना है, ठीक है। जो को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है ताकि उसका जो एयरवे है माउथ है वो भी उसका थोड़ा सा खुल सके। उसके बाद में चेक ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को चेक करना है कैसे, तो लुक लिसन एंड फील। तो ब्रीथिंग जो जब पर्सन ब्रीथ करता है तो चेस्ट उसकी जो ऊपर नीचे होती है ना तो वो हमको देखना है लुक में, ठीक है, कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद में ब्रीथिंग उसकी साउंड है, ब्रीथिंग साउंड को सुनना भी है और उसको फील भी करना है, ठीक है, फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन देना है। अगर कोई भी ब्रीथ अगर हमको फील नहीं हो रही है, ठीक है, कोई पल्स हमको फील नहीं हो रही है तो उसमें तो इस कंडीशन क्या है, हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो कैरोटिड पल्स जो होती है वो 10 सेकेंड से कम टाइम में हमको चेक करनी होती है। अगर चेक भी हम जो पल्स है वो हमको फील नहीं हो रही है, ब्रीथिंग भी नहीं आ रही है पेशेंट को, तो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन सेंटर ऑफ चेस्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ चेस्ट में एक हाथ का जो हील होती है हैंड की वो रखते हैं। उसके बाद में प्लेस अदर हैंड टू टॉप, उसके ऊपर दूसरे हाथ को रखेंगे। उसके बाद में फिंगर को इंटरलॉक करेंगे। उसके बाद में कंप्रेशन देते हैं चेस्ट पे। तो रेट जो होती है वो कंप्रेशन की वो 100 कंप्रेशन देने चाहिए 1 मिनट में, ठीक है। और डेप्थ जो होती है कंप्रेशन की वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में इक्वल कंप्रेशन है रिलैक्सेशन, ठीक है, इक्वल कंप्रेशन होना चाहिए। उसके बाद में उतना ही रिलैक्सेशन भी होना चाहिए चेस्ट का। उसके बाद में व्हेन पॉसिबल चेंज CPR ऑपरेटर एवरी 2 मिनट। अगर जो CPR दे रहा है, जो व्यक्ति CPR दे रहा है वो हो सके तो हर 2 मिनट में चेंज भी हो सकता है। उसके बाद में 2 rescue breath, तो 2 rescue breath में कैसे देनी है, 2 breath देनी है। उसके बाद जब चेस्ट कंप्रेशन के बाद में 2 breath देनी होती है, तो अडल्ट में 30 compression देते हैं, उसके बाद में 2 breath देते हैं। तो उसके बाद कैसे देनी है, पिंच दे, नोज़ को पिंच करना है, ठीक है, और एक नॉर्मल ब्रीथ लेनी है और जो माउथ के लिप्स हैं उनको कवर करके हुए वो जो हमने एयर ली है वो ब्लो करनी है चेस्ट के अंदर, पेशेंट के माउथ के अंदर, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट राइज होगी, ठीक है। उसके बाद में वापस जो चेस्ट फॉल होने के लिए उसको छोड़ना है एंड देन वापस रिपीट करना है। इस तरह से हमको 2 ब्रीथ देनी है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो। और अगर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अम्बू बैग है तो हम अम्बू बैग से ब्रीथ देंगे। उसके बाद में रेस्क्यू ब्रीथ रिकमेंडेशन, टाइडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 500 to 600 ml। उसके बाद में रेस्पिरेटरी रेट, गिव ईच ब्रीथ ओवर अबाउट फर्स्ट 1 with enough, ठीक है, वॉल्यूम टू मेक द विक्टिम चेस्ट राइज, ठीक है। उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन ओनली, तो कंटिन्यूस एट ए रेट ऑफ 100 मिनट, ठीक है, ठीक। तो हमने ये पढ़ लिए सारे पॉइंट्स। उसके बाद में अगर उसके बाद में हम चेस्ट कंप्रेशन भी दे दिया, उसके बाद में अगर पेशेंट नॉर्मल हो जाता है
तो उसके बाद में पेशेंट को जो है रिकवरी पोजीशन में लिटा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू रीससिटेशन, करना है जब तक कि क्वालिफाइड हेल्प वहाँ पर नहीं आ जाती है, ठीक है। और कब तक करना है, जब तक कि विक्टिम नॉर्मली ब्रीथ लेना स्टार्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। और कब तक है, जब तक कि जो रेस्क्यूर है वो एग्जॉस्टेड ना हो जाए, मतलब थक नहीं जाए, जब तक हमको जो रिससिटेशन है वो कंटिन्यूस रखना है। व्हेन कैन आई स्टॉप सीपीआर, हम विक्टिम रिवाइव, जब विक्टिम रिवाइव कर जाए, ठीक है। और ट्रेंड हेल्प वहाँ पे पहुँच जाए प्लेस पे, ठीक है। और टू एग्जॉस्ट टू कंटिन्यू, उसके बाद में अनसेफ सीप एंड फिजिशियन डायरेक्टेड एंड कार्डियक अरेस्ट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद में वाई सीपीआर में फेल, क्या सीपीआर फेल हो सकता है, डिले इन स्टार्टिंग, मतलब सीपीआर कब कब कंडीशन में फेल हो सकता है, कि सीपीआर स्टार्ट करने में देर हो गई हो या फिर इम्प्रॉपर प्रोसीजर हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोज को पिंच करना भूल जाए, ठीक है, और ACLS है उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किए जाए, या फिर डिफिब्रिलेशन है वो भी डिले दिए जाए, ठीक है। तो जो 15% केसेस में जो CPR रिसीव करते हैं वो अच्छे से लाइव, वो मतलब लाइव हो सकते हैं, ठीक है। और इम्प्रॉपर टेक्निक्स, उसके बाद में टर्मिनल डिजीज और अनमैनेजेबल डिजीज, जैसे कि मैसिव हार्ट अटैक, तो इन कंडीशन में जो CPR है वो फेल हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं CPR के, वोमिटिंग हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकती है, प्लेस विक्टिम ऑन लेफ्ट साइड, तो एस्पायरेशन जब हो तो विक्टिम को लेफ्ट साइड में प्लेस करना चाहिए। उसके बाद वाइप वोमिटिंग विद माउथ, तो वोमिटिंग को जो हो रही है क्लीन करना चाहिए, माउथ को क्लीन करना चाहिए, ठीक है, रीपोजिशनिंग देनी चाहिए, उसके बाद में वापस CPR स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद में पोस्ट रीससिटेशन केयर क्या होती है, प्रोवाइड कार्डियोपल्मोनरी सपोर्ट टू ऑप्टिमाइज टिश्यू परफ्यूजन स्पेशली टू द ब्रेन। तो पोस्ट रीससिटेशन में क्या होता है कि जो कार्डिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट है उससे जो वो देना चाहिए ताकि टिश्यू परफ्यूजन को करेक्ट किया जा सके, ठीक है, स्पेशली ब्रेन के लिए। ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में तुरंत पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए फॉर एप्रोप्रिएट इक्विप्ड क्रिटिकल केयर यूनिट। उसके बाद में अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज टू द अरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट मेजर सच एज एंटी अरिथमिक थेरेपी टू प्रिवेंट री अकरेंस। उसके बाद में रीससिटेशन एल्गोरिथम, रीससिटेशन की एल्गोरिथम देखते हैं हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की। तो सबसे पहले कोलैप्स पेशेंट, अगर पेशेंट है वो कोलैप्स है तो उसकी कॉन्शियसनेस को देखना है, साइनोसिस को देखना है और पैलर को देखना है। उसके बाद में उसका एयरवे क्लियर करना है, तो एयरवे क्लियर कैसे करना है, हैंड टिल्ट चेन जो लिफ्ट जो सपोर्ट करके। उसके बाद में स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग अगर उसको होने लग जाती है तो उसको रिकवरी पोजीशन में प्लेस करना है, ठीक है। और अगर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग नहीं हो रही है तो उसको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जर्व एंड फील फॉर कैरोटिड पल्स, उसके बाद में उसकी कैरोटिड पल्स को फील करना है। अगर पल्स जो है वो प्रेजेंट है तो जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है उसको कंटिन्यू रखना है, और अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन को स्टार्ट करना है एंड माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है, या फिर एम्बुबेग से भी वेंटिलेशन दे सकते हैं। तो ये हमने देख लिया आज CPR या बेसिक लाइफ सपोर्ट। ओके, थैंक यू।